हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, सुबह के जो हैं 9 बज गए हैं। अभी ये नहा लिए हैं और ये निनाए, क्योंकि इन्हें तो अभी ये पाइप में ट्यूबवेल में ऐसी ऐसी जिद कर रहे हैं। किसकी ट्यूबवेल में नहाओगा? और ये हम तो पाइप में नहाएंगे अपने। ये बांजे राजा जो है, इसकी अलग अलग फरमाइश रहती है। कल तो कह रहा मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, वो छोटा सा है ना, प्लास्टिक वाला। हाँ, लेकिन अभी मौसम आया नहीं है उस तरह का कि ये पानी में खुल के कूद दे और इन्हें इजाजत भी दे दी जाए। और जितने दिन की छुट्टी में ये आया है ना, ये सोच रहा कि बहुत सारा एंजॉय कर लूंगा मैं आगे। हाँ, बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा। पहली तो बात है, अभी जल्दी उठा ना सुबह, तो साइकिलिंग करी इसने। हाँ। और साइकिलिंग करते करते ना ये रेंज से बाहर चला गया था, जहाँ तक ये बच्चे जाते नहीं है। हम समझाते हैं भाई, रोड पे मत जाना, वहाँ पर तेज गाड़ी चलती है। हाँ, आ जाओ स्विमिंग पूल बनाऊं। नहीं बेटा, वो तो फूट रहा, लीक हो रहा। हाँ। उधर चुजुड़वा का लाना पड़ेगा। अच्छा ये बता सार्थक, क्या खाएगा आज? कड़ी पकौड़ा बनवा ले। नहीं, और चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा भाई कहाँ से सुन लिया? वेजिटेरियन फैमिली है हमारी, प्योर बिरयानी। देखो दोनों भाइयों की सलाह। अबे यार, तुम यहाँ कैसी बैगी बैगी सी बातें कर रहे? सात्विक भोजन बताओ, लंच में बताओ। सुबह का तो हो गया ब्रेकफास्ट सबका। कल गोलगप्पा चैलेंज करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। पहले तो चैलेंज तो बाद में होगा जब बन जाएंगे। होली के उपलक्ष्य में भी उस दिन बनवाए थे हमने, तो एक हलवाई भी बुलाए थे और उनसे कुछ कुछ सीखा भी था। बाकी बचे हुए जो है अपने आप भी बनाए थे खुद से इन्होंने, दो तीन हलवाई। सीखा था, देखो गोल गोल ऐसे बना के फिर ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे, लेकिन ऐसे वो बहुत टेस्टी थे। कड़ी में डाल के रख लगी, इसने सीख लिया, ये तो होगा पक्का। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि खाने में क्या खाएंगे, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। और 9:15 तो बज ही रहे हैं, साफ सफाई शुरू हो चुकी है, बहन जी भी थोड़ी सी हेल्प कर रही है, और यहाँ पर सुबह से ही पढ़ाई चल रही। मेहनत जो है बहुत ज्यादा की जा रही है और फल भी अच्छा ही मिलेगा। कोई तो पेंसिल पकड़नी सीखा है, पहले कच्ची पेंसिल पे लिखा है, इन्होंने डायरेक्ट पेन ही पकड़ लिया। नजर न लगा दी इसका फिर, बहुत गुंडी नजर लग जा। मैं तो कहती हूं नजर न लगा दियो, है ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं, इसकी बुआ झाड़ देगी इसकी नजर। हाँ। ये कह रहे कि इसने तो सीधा पेन ही पकड़ना सीख लिया पेंसिल की वजह। मैं सर नहीं तो कह रही, मगर इसका नजर न लगा दिए। किसी बच्चे को तो बार बार पकड़ा मैंने, बेटा पेंसिल पकड़नी सीखो पेंसिल पकड़नी सीखो, लेकिन इस बच्चे ने खुद ही सीख ली। रखा था ना मैंने ऐसी सारा ठाक है, अभी कर देती निकल गया सारी रात का मेहनत। कल तो करी थी, परसों तो 3-4 पेज कर दिए। हमने दिमाग ही चला दिया, कुछ कर नहीं दे रहा। हमने चले अंदर। नंदनी जो है, हम तीनों जनों से परेशान हो गए, बाहर जाके बैठ गई और मूवी ऐसे बना रही, देखने लायक था एकदम। तेजी ताई बहुत तेजी था। हाँ, बोल के गई वो गुस्से में। मेरे दिमाग में चला था मुझे पढ़ लेन दो, बहुत तेज गई माँ उठ के एकदम से। हाँ, माँ भी देख के बहुत खुश हो रही। ओम लिख रखा था मैंने उसकी जीभ पे, सहते और ऐसी वैसी बात थोड़ा है। मुंदी पढ़ पढ़ के पढ़ा है या मुंदी पढ़ पढ़ के? ऐसा परेशान ना करो भाई, शरारती नहीं है या मेहनती है? इसे गुस्सा आ जा बहुत जल्दी नंदनी को, जो को इसके पास आ जाए। पापा को बता देगी या? लिख ले, चल लिख ले नंदू, लिख ले। और पहली क्लास दूसरी क्लास छोड़ गए एकदम, तीसरी क्लास का कोर्स संभाल लिया इसने अपने हाथों में। जो कोई जो कुछ कर रहा है वो करता रहो, जो मुझे जहाँ परेशान करेगा मैं वहाँ से उठकर कहीं भी चली जाऊंगी। तो ये झाड़ू भी उठा रखी है मैं, ये झाड़ू मैंने साफ सफाई करने के लिए उठा रखी। साफ एक बार तो लग गई झाड़ू? नहीं, मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं साफ करके लगाऊंगी झाड़ू पोछा। नहीं, अच्छी नहीं लगी बहन जी को झाड़ू। ऐसे तो घर में अगर सबको अच्छी नहीं लगी तो यहाँ तो 20-25 बार झाड़ू लग जाए। ऑलरेडी 4 बार लग जा। अगर पसंद की झाड़ू लगा लगे सब अपनी, तो 25-30 बार बैठेगा दिन भर में झाड़ू लगाना। कोई बात नहीं, मुझे झाड़ू लगाना कुछ लगाना अच्छा लगा पहले से ही, और मैंने ये उम्र से संभाल लिया है क्योंकि मैं पहले से भी यही काम करती थी। कोई काम वाली बाई बता देगा आपको तो नुना कहो। कोई काम वाली बाई तो अपने काम करने में कोई काम वाली बाई
भाई नहीं बनते। अब घर में तो जो काम करो सब भाई कह लो, चाहे हीरा भाई कह लो, कुछ ही कह लो, वो तो काम करता है। चाहे बतूनी भाई कह लो, चाहे बतूनी भाई कह लो। अब मैंने जैसे कि लाइन इतना मोटा सामान लिया, अब मैं इस मोट अपने इस काम को पूरा करके रहूंगी, इस अंजाम दे करूंगी जाकर। और मैं वो रड़पा खा लो, रड़पा के लिए बार आ ठीक है, आवाज बस बस टिक पाड़ दिया। इनका पब्लिक बाबू का तो यही काम है, बस एक काम मिल जाए हमें दिन, दूसरे काम का हाथ नहीं लगा सकते, तो मुझे पहले से ही पता। ये कहने वाले सही कह रहा है, ये मेरे मन की बात कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें कह नहीं पाई, अरे और कह रहा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो जी, अगर मैं ये कैमरा किसी के सामने नहीं लगाऊंगी, अगर मैं बात नहीं करूंगी तो आप तक वीडियो कैसे पहुंच पाएगा। चलो अभी फिर सुना दो इनकी कहानी, क्या क्या कह रहे हैं दोनों जने। तो बहन जी, एक ही दिन हुआ अभी, तो एक दो दिन तो मेहमानदारी में बैठ के खाने पीने में कटक रहे, झाड़ू छोड़ दे अभी। झाड़ू झाड़ू छोड़ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, झाड़ू उठाने ही अच्छा लगेगा, मुझे साफ सफाई करना अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं। तो एक दो दिन के लिए तो मैं एक दो दिन के लिए मैं बैठ कर हूँ, तो मुझे कतई पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे काम करना ही अच्छा लगा, वो तो तुम्हें पहले से पता। क्लीनिंग क्लीनिंग एक दो दिन के लिए। हाँ, और चल तो बब्बा काम बहुत पड़ा फिर। नहीं बोल रहे, याद कर ले तू। या बोली, डिस्टर्ब ना करो मुझे यार। हाँ कर लो बेटा, पढ़ लो, बहुत अच्छे। देखो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये पैदा हुई थी ना, तो इन्होंने ना ये कहा था, इसके बड़े पापा ने, कि ये तो अफसर बिटिया है, तो ये देखो ये अपने पापा का सपना पूरा करेगी। या वाकई 11:30 बज गए हैं और खाना आधे से ज्यादा बन गया है, बस रोटी से एक नहीं बाकी है। कढ़ी चावल बनाए हैं, कढ़ी बनाई है हमने आज पकोड़े वाली, और कढ़ी जो है इस मौसम में सबकी फेवरेट होती है। अभी बच्चे जो है सारे के सारे नाम आके अंदर टीवी देखने में लग गए हैं, ये देखिए गाइस। और इसे चाहिए बुरा चावल, जबकि डॉक्टर ने जो है इसे मना कर रखा है कि मीठा कम खाना है और नमक का ज्यादा खाना है, कढ़ी चावल ज्यादा खानी है, रायता, कढ़ी चावल, दाल वगैरह ये सारी चीजें खानी है, लेकिन चाहिए इसको बुरा चावल, इसकी फेवरेट चीजें होती है ये, हलवा, बुरा चावल, लेकिन ये कम खानी है अभी बेटा तुम्हें। ये लाली, लाल गाय की जगह इसने ले ली है, और लाल गाय का भी हम लोग पता लेते रहते हैं, वो एकदम स्वस्थ है, जिनके यहाँ पर वो गई है, वे कल फिर आए थे अंकल और बता रहे थे दोनों जच्चा बच्चा ठीक है, और ये भी ठीक है, देखो इसने उसकी जगह ले रखी है, आराम से बैठी है। लाली तेरी क्या सेवा की जाए। इन्होंने जो है अपना लंच कर लिया है जल्दी से ही, क्योंकि अब बाहर जो है तेज़ धूप लगने लगी है, पहले तो सर्दियों में धूप की वजह से जल्दी इन्हें बाहर बांधते थे कि थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी इनको, लेकिन अभी तेज लगने लगी है, और जब लाइट आती है तो इनका जो फैन है वो चल जाता है वो वाला। यहाँ पर हाल है कुछ ऐसा नीचे का, ये देखिए, और उसने कितनी बड़ी बड़ी चप्पलें पहन रखी है, और सार्थक चला रहा है साइकिल, साइकिल चलाना इसे अच्छा लगता है। चिंकी कढ़ी चावल खा रही है, रोक्सी भी निकल कर आ गई है अंदर से, और नंदनी मुझे कुछ कह रही है। आ गई हूँ छत पर, इन्हें देख कर इन्होंने बोला कि झाड़ू लेकर आना, यहाँ पर करनी है साफ सफाई, ये हमने डोर लगवाई थी यहाँ पर बंदरों की सेफ्टी के लिए। देखो अब तो बंद हो जा, और पीछे को घूम कर चले जा बंदर, नीचे का तो ये कितना खतरा नहीं, वहाँ पे तो हम ध्यान देते रहे, नीचे से दिखता रहे, लेकिन जो ममटी में ऊपर को आके नीचे जावे थे उनका नहीं पता चला था। चलो जी झाड़ू लगाते हैं। मैंने कह रही थी लहसुन ले जाओ, क्या लहसुन हमारा इतना बुरा ले जाओगे, तो इसमें तक खोद लियो, फावड़ा लेकर मंड जाओ, जब लिखेगा इसमें इतना सोना लहसुन हो रहा, देर सोना दिखाइयो, देख लो खोद दो अपने आप, जब ले जाना तो अपने आप ही तो खोदना पड़ेगा, खुरपी है नहीं यहाँ सी, कुछ लाना पड़ेगा नीचे तो खोदना, चिंकी कुछ है नहीं खोदने का, देखो तो ये बड़ा नहीं बड़ा, सब सूख साग गया, उल्टा गिर दो ना सारा, तुमने पानी नहीं डाला इसमें, पानी हो जाता है, ये तो हो रहा था, गर्मी में ना पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत हो है, दोनों टाइम पानी डालो तो तब अच्छी रहना। अब यहाँ से रोज जा करेंगे ऊपर छत पे, पहले तो आवे नहीं थे बुआ जी, सारे को आदमी रहना तो बंदरों का इतना वो नहीं पड़ने का यहाँ लेट। चलो जी लगाओ झाड़ू, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये सरसों छितोगे, ये सरसों छितोगे क्या, देख कितने सारे पक्षी नंदनी, देख कितने सारे, देखे आपने वो आगे देखे, देख
दाना डाल देना, कैसे डालेगी दाना? यूँ कह रहे तुम लहसुन ले जाइयो, हमने सोचा भाई वाके में मोटा मोटा हो रहा होगा। दिखे बढ़ जाता जो उसमें पानी मिल जाता, देखो चल रहा है। यो काम हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जिस जरूरत हो वो बता दियो, वो हम भिजवा देंगे उनके पास लहसुन, जो देख कर ना हो ऐसा लहसुन। फसलें हमारी पानी के अभाव में सूख गई थी, तो हमारे जो खेत हैं वो रिन्यूअल होने के लिए भेज दिए गए हैं और दोबारा से तैयार करे जाएंगे और मौसम की फसल देखेंगे कौन सी लगा सकते हैं उसमें। फिलहाल यहाँ साफ सफाई जरूरी है, ये आप देख रहे हैं पीछे ये दरवाजा लगवाया है, काठी डंडा लेके अब यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, दरवाजा बंद रहता है तो इधर से जाते नहीं, नहीं तो यहाँ जीने से जाके ना नीचे तो इधर का खतरा भी रहता था और फिर सामने का, अब एक ही तरफ निगाह रखनी पड़ेगी। नंदनी को तो पानी चाहिए, देखो टंकी के पास में जाके लग गई, बस नंदनी आ जा। ये काम करते करते शाम हो गई थी तो यहाँ की लाइट ऑन कर दी मैंने, क्योंकि यहाँ का काम निपटाने में थोड़ी कसर बाकी है, इसे निपटते हुए चलेंगे और बिल्कुल शाम हो गई है, अंधेरा होने में थोड़ी सी देर बाकी है, उससे पहले हम चलेंगे नीचे। और हमने ये तूफ़ानी पंखा भी उतार लिया क्योंकि इसकी हवा की ज़रूरत पड़ेगी, अब तेज़ हवा की पसीने खूब आने लगे हैं, गर्मी प्रचंड होने लगी, इसलिए नंदिनी जो है वो अपनी बुआ जी की गोद में घूम रही है और बुआ जी उसकी दिखा रही है, ऐसे बंदर दिखा रही है, आसपास झंडे लगे, टावर, सब चीज़ दिखा रही है, जितने भी आसपास जो मौजूद हैं सामान वो वाले। देखो बारीक बारीक सी कितनी सारी पिन निकली इसमें से। हाँ परसों ये अंधेरे में गिर गई थी तो ये इकट्ठी नहीं हो पाई थी, ये अभी कूड़े में इकट्ठी हुई, इन्हें भी इकट्ठा कर लिया गया है और यहाँ साफ सफाई हो जाएगी तो ठीक ठाक से रहेगा। वो रख दिया हमने अपने जो है खेत, ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया अब की बार उठा उठा के, और उधर पानी की टंकी लगी है ना वो वाली, ये पानी की टंकी लगी, ये नज़दीक हो जाएगी, तो इसमें पाइप डाल लेंगे थोड़ा सा, ये यहाँ से भर भर के नज़दीक ही पड़ेगा। बेटा हाथ कहाँ से चिते तेरे दो बार? बता दे, बता दे हाथ में चोट कहाँ से लगी? चोट कहाँ लगी थी? कहाँ लगी दो बार बता दे? दो बार लगी ना आज हाथ में चोट, है ना? पेपर की तैयारी होगी? नहीं हाँ होगी, मेहनत बहुत कर रही हूँ, मेहनत बहुत कर रही, बस थोड़ा सा आराम करा, मेहनत ज्यादा करा, मेहनत ज्यादा करा, चलो जा चलो जा। हाँ। चलो जा जब तो उठे। आ गए हैं नीचे और यहाँ पर देखते हैं पूजा क्या कर रही है। अच्छा आरुषि याद बटा रही क्या? अंधेरे में क्यों बैठे हैं? बल्ब खराब हो गया, बल्ब एलईडी बल्ब, इसे लेके आऊंगा, इसकी जुगाड़ देख रहा कैसे होता है, मेरा हाथ तो वहाँ पहुँच नहीं रहा, कुछ साधन बता दे यार रखने का। मेरे पास क्या रिंग लाइट? लाइट बिल्कुल सही हो गई है, इन्होंने थोड़ा हाँ हिलाया बल्ब को तो खराब नहीं हुआ, वो हिला हुआ था, छिपकली ने हिला दिया होगा है। हाँ। ये देखो होल्डर में से हिल गया, होल्डर में से थोड़ा सा हिलाया तो ये जल गया, मतलब खर्चा बच गया।